हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लकी एंड फैमिली। और ये हमारा जो डे है, ऑलमोस्ट फिफ्थ या सिक्स डे है गोवा में। तो ये मॉर्निंग हमारी जो होती थी, ये ऐसे ही होती थी। हम बीच पे जाते थे, मस्त वॉक करते थे, मैं, लकी और बॉस। लकी को तो बहुत अच्छा लगता था ऐसा खेलना। तो फिर आपको ना थोड़ा सा यहाँ का मैं व्यू भी दिखा देती हूँ कि सुबह सुबह कैसा लगता है। और यहाँ पर सच में सुबह सुबह बहुत पब्लिक आती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही रहते थे, बहुत से लोग हैं जो रनिंग करने आते थे। तो आपको एक जल्दी से लुक दिखाती हूँ। और सच में बहुत 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 अच्छा लग रहा था। जब आप वहाँ पर जाओगे ना, तब आप वो चीज़ जो आँखों से फील करोगे ना, वो अलग ही है। और बाबा इतना ठंडा था ना सुबह सुबह, लेकिन देखो ना यहाँ पर तो लोग अभी सुबह सुबह ही स्विमिंग करने के लिए जा रहे हैं समुद्र में। और मुझे तो ठंड लग रही थी, सच में ठंडी थी उस टाइम पे जब हम लोग गए थे, क्योंकि हम लोग जनवरी में गए थे ना, तो ठंडा ही मौसम था। और यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स भी थे जो थोड़ा सा अटैक करते थे लकी के ऊपर, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता था। और ये चारों तरफ आप जो बोटिंग बोट्स वगैरह देख रहे हो ना, ये सारे आप इन पे बोट राइड वगैरह कर सकते हो। ये सुबह का टाइम है तो अभी बाहर है, बाद में सब धीरे धीरे अंदर जाएंगे। देखो कैसे वो मैडम स्विमिंग कर रही है। बाबा उसको भी फटाफट चलते हैं रिसॉर्ट में, क्योंकि हमें पैकिंग करनी है, हमें नेक्स्ट रिसॉर्ट में चलना है। तो चलिए। हाँ, तो आज हमारा इस रिसॉर्ट से है चेकआउट। सब लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे रिसॉर्ट में, जो कि है सी फेसिंग रिसॉर्ट, मतलब बीच फ्रंट है। तो अभी वहाँ चलकर आपको दिखाएंगे। तो बहुत अंदर कर रहे थे पैकिंग, तब तक मैं और लकी आ गए। थोड़ा सा मैंने बोला थोड़ा सा झूला झूल लेती हूँ मैं, मुझे वैसे भी झूले बहुत पसंद है। तो लकी को लेकर ऐसे ही थोड़ा सा मस्ती करने के लिए मैं बाहर निकल गई। अभी हमारा सामान धीरे धीरे पहुँच रहा है, तो मैंने बोला खाली क्या करूँ, लकी को मुझे वैसे भी पकड़ के बैठना था। तो अभी यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं हमारे न्यू रिसॉर्ट में, जहाँ का पूरा आपको हम लुक दिखाएंगे। तो वो बस यहाँ से 2 मिनट के ही डिस्टेंस पे था, तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो टाइम हो गया था हमारे लंच का, तो चेक इन के बाद हम सबसे पहले आ गए फ्रेश होने के बाद में खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी हमारा पूरा जो रिसॉर्ट है वो कैसा दिखता है, और वहाँ से कैसा आपको व्यू दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग उसी रिसॉर्ट के ही रेस्टोरेंट पे हैं। तो इसका नाम था रिसॉर्ट दी पैलोलम, जो कि पैलोलम बीच पे है। तो अभी हम लोग आए थे लंच करने के लिए, दोपहर का टाइम था। तो लंच के बाद में फिर डायरेक्ट हम गए रूम पे, वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो आपको भी दिखाएंगे कैसा लगता है। और सच में ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना, सबसे लास्ट डे जो हम लोगों ने रिसॉर्ट बुक किया ना, बिल्कुल बीच फ्रंट था। तो उसमें कैसा है ना कि आप रूम से बैठ करके ही आप रिसॉर्ट सॉरी बीच देख सकते हो, समुद्र देख सकते हो, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये देखिए अभी हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे रूम के बाहर का ऐसा एरिया है, सिटिंग एरिया है, जहाँ पर सोफे वगैरह पड़े हुए हैं। और ये रूम है, हमने एक्स्ट्रा मैट्रेस मंगाई थी, क्योंकि यहाँ पर डबल बेड नहीं है इनके पास में, क्योंकि ये बीच फ्रंट कॉटेज है। ये पूरे वुडन के बने होते हैं, और ऊपर फैन था, एसी था, सारी व्यवस्था सब कुछ ठीक थी। तो लकी जी देखिए आराम कर रहे हैं, सामने कबर्ड था, एसी था, और उधर जो आप देख रहे हो वो वॉशरूम था, जो कि काफ़ी बड़ा वॉशरूम था। और यहाँ से लकी तो क्या ही थकेगा। और अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ से एक मस्त सा व्यू, जो बेड से आप रूम से बैठ के देख सकते हो। तो ये देखिए ये बेड है, और बेड के बाहर जो आप देख रहे हो ना, ये समुद्र कितना नज़दीक से आप इसको देख सकते हो ना, ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। और ये मुझे सबसे बेस्ट लगा था, सच में अच्छा लगा था। यहाँ पर कैसा लगा रूम में? अच्छा। रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना, व्यू कितना अच्छा यहाँ से दिखता है ना। इधर ये रूम है, बस रूम से ऐसे देखो बाहर, ये इधर देखो बीच है, उधर समुद्र है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। और इधर आराम से ऐसा चिल करो, बैठो, मजे करो। और यहाँ पर देखो सोफा वगैरह पड़ा हुआ है, इतना बड़ा प्लेस है बैठने के लिए। मम्मी कहती है यहीं बैठे रहेंगे। और इधर पूरा ऐसा रेस्टोरेंट है, शेक है, वो ऊपर देखो एक और कॉटेज है सी फेसिंग, ये हमारा है। और इधर देखो बॉस आराम से बैठे बैठे मजे ले रहे हैं लकी के साथ। हमारा तो लंच हो गया, अब लकी का लंच का टाइम है, अब लकी को लंच कराएंगे। फिर शाम को रेडी शेडी होकर के हम बीच पर आए थे, लेकिन अंधेरा हुआ, उसके लिए वीडियोस और फोटोज क्लियर नहीं आए। तो इसी बात पे मेरा झगड़ा हो गया था बॉस से, और मैं गुस्सा हो गई थी, तो मैंने आगे ना कुछ भी शूट नहीं किया था गुस्से की वजह से। बस ये एक क्लिप जो थी वो देखो ना कितना अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा था।
फिर उसके बाद में हम आए रात को डिनर करने के लिए। मैंने गुस्से की वजह से कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे और मैं अपने ऐसे जो नाइट ड्रेस था ना उसमें आ गई थी यहाँ पर। फिर गुस्सा में तो थी मैं, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने बोला गुस्सा अपनी जगह है, मेमोरीज अपनी जगह है, फिर बाद में मैं देखूंगी क्या इसके लिए। फिर देखो ना यहाँ पर हम लोग आकर के यहाँ पर ना ये जो रेस्टोरेंट था ना इसमें नीचे ऐसे देखो कि पूरा जो ओपन रेस्टोरेंट है नीचे ना ऐसा शैक है और ये ना गेम बैग है। तो हम लोग गेम बैग जा करके बैठे थे, लकी भी मैं बैठा था सब देख रहा था, उसको भी अच्छा लग रहा था। और ये जो हम लोग बैठे हैं ना इसके ऊपर जो ना कॉटेज भी है, तो वहाँ से कुछ लोग ऐसा लकी जो फैमिली रह रही थी ये आप देख रहे थे। पूरा का पूरा ओपन रेस्टोरेंट है जिसको बाहर ओपन बैठना है वहाँ बैठ सकता है। हम लोग गेम बैग पर बैठे थे, पीछे जो है वो अंदर ऐसा शैक वाला था, तो जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ बैठ सकते हो। तो मम्मी को तो चेयर पे बिठाया था क्योंकि मम्मी बीन बैग पर कम्फर्टेबल नहीं थी। यहाँ पर अभी ऑर्डर दिया जा रहा है खाने का, क्या तो सिंपल खाना ही मंगाया था। और फिर तो खुले आसमान के नीचे ऐसा बैठ के यार सच में बहुत ही अच्छा लगा। डिनर हमारा ऑलमोस्ट 10:30 तक हो गया था। फिर हम आए थे अपने रूम में, फिर लकी को मैंने खाना खिलाया था और उसके बाद फिर बाहर आकर के मैं बैठ गई थी। मैंने क्योंकि आज ये हमारा लास्ट नाइट है गोवा में, कल मॉर्निंग में हमें निकलना है, तो मैंने बोला जो ये यहाँ का वाइब है, जो ये बीच का मुझे जो वेव्स का जो साउंड है ना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आकर यहाँ पर करीब 1 बजे तक बैठी थी लकी को लेकर के। और बहुत कुछ हो गया था क्योंकि उनको लंबा रनिंग करना था। ये देखो कि रात को भी आपको थोड़ी थोड़ी लहरें दिख रही होंगी। और लकी जो है वो झगड़ा करने को पड़ा था बीच पे, जो दूसरे डॉग्स थे ना इनका कंपटीशन चल रहा था, जो कि आप सुनिए क्या चल रहा था। मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी। अब इसको मन लग रहा है ऐसे खड़े होके टांग फैला के खड़े होके भौंकने में। तो फिर हुई नई सुबह और ये सुबह मेरी आखिरी थी गोवा में। मुझे सच में बहुत पता नहीं सुबह का जो ये था, मतलब ये सच में मैं बहुत मिस करती हूँ मॉर्निंग का जो ये टाइम था जब मैं वॉक पे जाती थी, ये मेरा फेवरेट था, सबसे फेवरेट यही था। तो फिर मैं हालांकि कल तो मैं गुस्से में थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए सब चीज़ें रिकॉर्ड करी क्योंकि मुझे पता था कि बाद में मुझे टीवी पे ही बैठ के देखना है या मोबाइल में देखना है। तो फिर मैंने अपने लिए अच्छे से ही देखो रिकॉर्ड किया सीन। और आज मैं अकेले गई थी वॉक पे क्योंकि मैं गुस्सा थी बॉस के साथ, तो मैं अकेले ही वॉक पे चली गई थी। तो अभी वहाँ से इसीलिए मैंने प्रॉपर कुछ ऐसा व्लॉग टाइप में रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट हम लोग ऐसा गाड़ी में बैठ गए। तो मैंने लकी का ऐसा एक ये क्लिप लिया था कि देखो ये पूरे रास्ते ये ऐसे ही मेरे ऊपर सोते सोते आया है, आप मानोगे नहीं, पूरा 6-7 घंटे जो है ये ऐसे ही सोता हुआ था। तो पहले हम लोग रत्नागिरी में रुके थे, जिस रिसॉर्ट में हम जाते समय रुके थे ना उसी में रुके थे आते समय भी, और वहाँ से फिर वापस चले गए। और फिर उसके नेक्स्ट डे हम निकले थे मुंबई के लिए। तो ये थोड़े से मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स शूट किए थे तो मैंने डाल दिया कि ऐसे ही मैंने डाल दिया कि वहाँ पर बीच पे मैंने कुछ ऐसे सीन रिकॉर्ड्स किए थे। तो आप भी देखिए कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग गोवा का जो व्लॉग मैंने बनाया है सारे, अगर आपने देखे होंगे या पर्टिकुलर ये वाला व्लॉग देखा है तो जरूर बताइएगा कैसा लगा। यहीं से इस व्लॉग को करती हूँ एंड, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सबा खैर।